आज 7 महीने पूरे हो गए कांग्रेस की हुकूमत बनके तेलंगाना में, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 6 गारंटी तो गायब हो गए, 6 गारंटी तो गायब हो गए। अभी क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। 6 गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर 6 हमारे MLA ले गई, 6 हमारी MLC ले गई और 1 राज्यसभा MP को भी ले गई। हमें इस बात से कोई खेद नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है जो आदमी आज अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जो आदमी अपने आप को संविधान के प्रतीक मानते हैं, वो जब संविधान को बेरहमी से एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं, तो इस बात को दिल्ली में बताना हर किसी को, इस देश की हर युवा को, इस देश के हर शख्स को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आज दिल्ली आ गए। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, बार बार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इमोरल है। जब भी कोई MLA डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, कांग्रेस गोवा में, स्वयं राहुल गांधी गए अप्रैल 2022 में और वहां जितने कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे शपथ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के टिकट से लड़ेगा, जीतेगा तो कांग्रेस में ही रहेगा। ये शपथ स्वयं राहुल गांधी ने दिलवाया था 2022 में। और कर्नाटक में जहां उनकी गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक एक MLA को 50 करोड़ दे के बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। सिद्धरामैया जी जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक से, वो कहते हैं कि 50 करोड़ देके एक एक MLA को खरीदने की कोशिश चल रही है। बाला साहेब तोरट जो कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि साम दान बेद दंड, ये चारों चीज की प्रयोग हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस MLA को लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। ये बाला साहेब तोरट का कहना है। और हरियाणा में अजीब सी बात है, हरियाणा में जहां आप देखेंगे उनके एक MLA कांग्रेस की किरण चौधरी जो कांग्रेस के टिकट से जीती और बीजेपी में शामिल हो गई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उसको लेके कोशिश भी कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी स्वयं मणिपुर में, जब उनके MLAs मणिपुर में डिफेक्ट कर गए, एक आदमी थे MLA श्याम कुमार, जिन्होंने जीते तो वो कांग्रेस में थे, बदल गए बीजेपी में और उसको लेके कांग्रेस ने काफी लड़ाई की और अल्टीमेटली स्पीकर ने ये तय किया कि जो भी अगर डिफेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जस्टिस नारीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की 3 जज वाली बेंच ने एक फैसला लिया था मणिपुर वाली केस में, जहां के PCC अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव मेघा चंद्र सिंह ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में श्याम कुमार जी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर तय करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में। ये जजमेंट आया 2020 में, उसको लेके जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं, उसको लेके आज श्याम कुमार जी को डिस्क्वालिफाई किया गया और उनको पद से हटाया गया। और हाल ही में जो एक किस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार थे, तो वहां के 6 लेजिस्लेटर कांग्रेस के बीजेपी को वोट दे दिए राज्यसभा वाली इलेक्शन में, उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस हिमाचल में आज लड़ रही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ गोवा में इलेक्शन होता है तो आप शपथ दिलवाते हो आपके लेजिस्लेटर से कि आप दल बदलेंगे नहीं, जब आपके मणिपुर के MLA कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लड़ते हो और उसके खिलाफ ऑर्डर लाते हो, जब कर्नाटक में आपके चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 50 करोड़ की खरीदारी हो रही है आज MLAs की,
कांग्रेस वाली एमएलए की बीजेपी के जरिए, तो उस बारे में भी आज राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं और हिमाचल में भी हम जो देखते हैं उसके बारे में भी आज लड़ाई चल रही है। और सबसे अहम बात, कांग्रेस की एक मैनिफेस्टो निकली थी अभी हाल ही में जब पार्लियामेंट हुआ, तो न्याय पत्रा करके उनका मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो, जिसकी लॉन्च की गई थी तेलंगाना में इसकी लॉन्च हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहती हैं न्याय पत्र में कि हम न्याय करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई एम रीडिंग आउट। वी प्रॉमिस टू अमेंड द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मेक डिफेक्शंस लीविंग द ओरिजिनल पार्टी ऑन विच द एमएलए और एमपी वाज इलेक्टेड एंड ऑटोमैटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप इन द असेंबली और पार्लियामेंट। न्याय पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके। मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के प्रतीक हैं, और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं। इस तरीके का एक ऑस्कर अवार्ड लेवल की एक्टिंग राहुल जी करते हैं, पर देखिए क्या कर रहे हो। एक तरफ पार्लियामेंट में जो 2-4 किलोमीटर दूरी में है यहाँ से, वहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जी जो बीआरएस के एमएलए हैं उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, तेलंगाना सीएम गेट्स द नॉड ऑफ एआईसीसी टू इंडक्ट मोर बीआरएस एमएलएस। मतलब एआईसीसी की अनुमति से, एआईसीसी की सहमति से, एआईसीसी की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं ये उनकी सहमति से हो रहा है।